विराट ने धोनी के आगे से थाली छीन ली। धोनी की कटोरी से डिश निकाल दी। धोनी के सामने से गिलास छीन लिया। धोनी को क्यों खाना छोड़ना पड़ा? विराट ने क्यों धोनी के मुंह से चॉकलेट छीन ली? विराट की चाल पर धोनी की भूख हड़ताल। नमस्कार, मैं हूं जीएस वेग, आप देख रहे हैं वाह क्रिकेट। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि आप किस हद तक जाकर भी टीम में बने रह सकते हैं, तो सब कहेंगे कि मैं बहुत पसीना बहाऊंगा, बहुत नेट्स में प्रैक्टिस करूंगा। वैसी कुछ कहानी यहां पर महेंद्र सिंह धोनी की भी है। आप तो जानते हैं यो यो टेस्ट आजकल कितना जरूरी हो चुका है, और बेहद जरूरी इसलिए भी क्योंकि चाहे जितना बड़ा प्लेयर भी हो, उसको टेस्ट में पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप पास होंगे तभी टीम में रहेंगे। तो आज आपको दिखाते हैं शो में धोनी की कहानी कि धोनी ने क्या क्या त्याग दिया इस यो यो टेस्ट में पास होने के लिए और विराट की टीम में आने के लिए। इंग्लैंड दौरे से पहले हुए यो-यो टेस्ट में धोनी ने 16.1 अंक आसानी से हासिल कर लिए। कप्तान विराट के साथ हुआ था धोनी का यो-यो टेस्ट। धोनी ने विराट से ज्यादा अंक हासिल किए। अब समझिए, धोनी ने पूरे आईपीएल में 315.4 ओवर विकेट कीपिंग की, मतलब धोनी ने 1894 गेंद तक विकेट कीपिंग की। 1894 गेंद पर धोनी ने 3788 बार उठक बैठक। धोनी ने 15 पारियों में 455 रन बनाए, इनमें से 179 रन धोनी ने दौड़ कर लिए, मतलब 22 गज की पट्टी पर 179 बार दौड़ने में धोनी ने 3938 कदम की दौड़ लगाई। इसे किलोमीटर में बदलें तो 3.6 किलोमीटर की दौड़ लगाकर धोनी ने 179 रन बनाए। खाने की आदतें पहले से काफी बदल दी। जब मैंने डेब्यू किया था तो बटर चिकन, नान और ढेर सारी चॉकलेट्स के साथ मिल्कशेक, सॉफ्ट ड्रिंक्स हमेशा खाता पीता था। लेकिन जब 28 साल का हुआ तो मिल्कशेक छोड़ना पड़ा। टेस्ट क्रिकेट छोड़ा तो हेल्दी खाना खाने लगा। मैंने ये महसूस किया कि मेरा शरीर थोड़ा अलग है। इस साल मैंने जिम जाना शुरू किया, लेकिन मैं हमेशा जिम में नहीं जाता। जब मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो जिम नहीं जाता, लेकिन जब दो सीरीज के बीच खाली समय होता है तो जिम करता हूँ। आपकी फिटनेस का 80% इसी पर निर्भर करता है कि आप क्या खाते हैं, और 20% इस पर कि आप कैसे ट्रेनिंग करते हैं। तो देखा आपने महेंद्र सिंह धोनी की त्याग स्टोरी की, क्या क्या उनको त्यागना पड़ा कि वो इस विराट की टीम में फिट हो सके। अपने आप में एक बहुत अहम कहानी है, क्योंकि ये बात ये भी दर्शाता है कि कितना बहुत मुश्किल हो चुका है विराट की टीम में एंट्री पाना, जहां पर सिर्फ रन बनाना या विकेट लेना जरूरी नहीं है। संदीप पाटिल आज हमारे साथ हैं। संदीप, यही बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर खिलाड़ी अपने से फिटनेस करें तो बहुत अच्छा, लेकिन जब ये फिटनेस उसकी मजबूरी बन जाए टीम में आने के लिए, वो कितना सही? नहीं, बिल्कुल, जो विराट ने ये जारी किया है फिटनेस का मंत्र, या फिटनेस जो भी हम देख रहे हैं, पूरी हमारी इंडियन टीम या सारे जो हमारे युवा खिलाड़ी है फिटनेस के पीछे लगे हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि फिटनेस से ही जो इन्होंने जितने सारे। नहीं संदीप, हम कभी ये नहीं कह रहे हैं कि ये अच्छी बात नहीं है। मेरा सवाल संदीप आपसे ये है, और विराट ने, संदीप मेरा सवाल आपसे ये है कि अच्छी बात है, बिल्कुल सबने माना, मैं भी मान रहा हूं, बट मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर ये अच्छा है तो इतना कंपलसरी क्यों है कि अगर आप फिट नहीं है तो आप टीम इंडिया में नहीं आ सकते, भले ही आपकी मैच फिटनेस अच्छी हो। ये देखिए, ये कंपलसरी मुझे नहीं लगता ये कंपलसरी है, ये खुद अंदर से आना चाहिए। जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी ने बताया है कि पिछले 2 साल से वो जिम जाना उन्होंने शुरू किया है, और जैसे मैं बार बार कह चुका हूं, जब एनसीए का डायरेक्टर के नाते मैं इंडियन टीम के साथ था वहां पे, कभी भी महेंद्र सिंह धोनी या सचिन तेंदुलकर को मैंने देखा नहीं, लेकिन विराट के आने के बाद ये जो अवेयरनेस आया है ये धोनी को शायद पसंद आया हो, और जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ये शायद धोनी को ये बात समझ में आई होगी
क्योंकि जब आप युवा होते हैं तो इतनी जरूरत नहीं होती है। जैसे धोनी ने यह भी कहा कि जो डाइट होता है खिलाड़ी का उसके ऊपर बहुत ध्यान देना जरूरी होता है, और ना सिर्फ धोनी का, मैंने बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी देखे हैं मेरे पिछले अगर 7 साल की बात करें, 3 साल एनसीए और 4 साल एक सिलेक्टर के नाते, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जो उन्होंने बहुत पूरा अपना सारा डाइट, अपनी पूरी दिनचर्या बदल डाली। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं, जी हां संदीप, बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपना सब कुछ चेंज कर दिया, खाने से लेकर ट्रेनिंग रेजीम तक, क्योंकि सबको आना है टीम इंडिया में, अगर आना है तो आपको अपना फिटनेस बिल्कुल सही रखना पड़ेगा, जो कि सुरेश रैना ने किया। योयो टेस्ट पहले वो फेल हुए थे लेकिन अब पास हो चुके हैं। आइए रिपोर्ट देखिए कितने जरूरी हैं सुरेश रैना टीम इंडिया के लिए। जिस वजह से सुरेश रैना को पिछले साल टीम इंडिया से बाहर होना पड़ा, आज उसी वजह से सुरेश रैना की टीम में वापसी हुई है। अक्टूबर 2017 सुरेश रैना न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में शामिल हो चुके थे, लेकिन इस सीरीज से पहले हुए योयो टेस्ट में रैना फेल हुए और उन्हें बाहर कर दिया गया। 9 महीने बाद रैना के लिए यही योयो टेस्ट वरदान साबित हुआ है। इस बार अंबाती रायडू फेल हुए और पास हो गए उनके साथी सुरेश रैना। पूरे 3 साल लगे रैना को इस वापसी। रैना ने टीम इंडिया के लिए पिछला वनडे अक्टूबर में खेला था, मतलब समझिए आईपीएल में रायडू और रैना दोनों ही चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेल रहे थे। रायडू ने आईपीएल में 600 से ज्यादा रन बनाए जबकि रैना ने 445 रन। पहली ये कि रैना रायडू के मुकाबले कहीं बेहतर फील्डर है, दूसरा ये कि उन्हें इंग्लैंड में खेलने का अनुभव भी है। रैना ने इंग्लैंड में अब तक खेले 14 वनडे में 37 की औसत से 375 रन बनाए जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है। और तीसरा, रैना विराट को प्लेइंग 11 में एक और बल्लेबाज को खिलाने का मौका दे सकते हैं। शिखर रोहित की सलामी जोड़ी, तीसरे नंबर पर विराट, रैना चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर धोनी बल्लेबाजी कर सकते हैं, दिनेश कार्तिक और हार्दिक पांड्या मैच फिनिशर की भूमिका निभाएंगे और गेंदबाजी की जिम्मेदारी बुमराह, भुवी, कुलदीप, चहल निभाएंगे। सुरेश रैना के टीम में आने से विराट कोहली की कई मुश्किलें आसान हो जाती है, पर संदीप पाटिल हमारे साथ लगातार बने हुए। संदीप, मेरा सवाल आपसे ये है कि ऐसा क्यों होता है कि चयनकर्ता पिछले विश्व कप के बाद यंगस्टर्स को चुना, उन्होंने मनीष पांडे को काफी मौके दिए, लेकिन अब वर्ल्ड कप आ रहा है अगले साल और तुरंत जो है वो वापस सुरेश रैना की तरफ मुड़ चुके हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों ये तो सिलेक्टर्स ही कह पाएंगे, लेकिन विवेक मुझे एक यहाँ बात करनी है और मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे टेस्ट क्रिकेट में 2 इनिंग होती है, मुझे लगता है ये जो योयो टेस्ट या फिटनेस की जो समस्या सता रही है हमारे खिलाड़ियों को, इनके लिए भी 2 मौके देना जरूरी मैं मानता हूँ। अगर आप आज के दिन योयो टेस्ट फेल हो गए तो कल आप दे सकते हैं, मैं ये मेरा मानना, ये मेरा कहना है और मैं आशा करता हूँ कि इसके ऊपर भारतीय बोर्ड हो या हमारे फिजियो हो या हमारे ट्रेनर बासु हो या कप्तान और कोच हो ये करे। लेकिन देखो विवेक, ये दोनों मेरे प्यारे खिलाड़ी हैं, अगर आप रैना की बात करें या रायडू की बात करें, लेकिन अगर पैकेज की बात होती है, जब पैकेज की बात होती है, ऑलराउंडर की बात होती है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा तवज्जो रैना को ज़्यादा मिलता है और शायद यही हुआ होगा। जी हाँ, कंप्लीट पैकेज के तौर पर सुरेश रैना काफी अच्छी तरह फिट हो रहे हैं इस टीम इंडिया में और इसी वजह से वर्ल्ड कप से पहले 3 साल के बाद सुरेश रैना की वनडे टीम में वापसी हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका। वाह क्रिकेट में अभी फिलहाल इतना ही। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।